राम मंदिर पर राहुल गांधी बोले हैं और मोदी आरएसएस का कार्यक्रम है और राहुल गांधी का ये कहना है कि जो राम मंदिर का पूरा जो ये उत्सव हो रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है और ये मोदी आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर राहुल जब जोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है अपने न्याय यात्रा के दौरान इसका लगातार जिक्र करते हुए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस ने इस पूरे 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर राजनीति शुरू की है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, इसके लिए तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो जन भावना है वो किस तरह से रिएक्ट करती है ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन राहुल गांधी को सुनते हैं आखिरकार वो क्या क्या है। तो राहुल गांधी यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी न्याय यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर यहाँ पर कांग्रेस पहले से ही जाने से इनकार कर चुकी है। हालांकि न्योता दिया गया था लेकिन न्योता को ठुकरा दिया गया। लेकिन क्या जो स्टैंड है कांग्रेस का, ये स्टैंड आने वाले चुनाव में, यहाँ पर खासतौर पर राहुल गांधी जब गुजरेंगे पूरे हिंदी बेल्ट से, पूरे गंगा बेल्ट से गुजरेंगे और जाकर महाराष्ट्र में मुंबई में जाकर जब खत्म करेंगे न्याय यात्रा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि यही जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर सबसे ज्यादा राम मंदिर कह सकते हैं या फिर हिंदुत्व का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मंदिर इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जिस मंदिर में, इस ये मंदिर लिपाक्षी मंदिर जो है, यहां पर ही जो जटायु थे वो घायल होकर गिरे थे रावण के साथ जब युद्ध किए थे, जब माता सीता का हरण हो रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जहां पर वो तेलुगु में रामायण का पाठ भी सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जब हमने देखा था तस्वीर, जब वो महाराष्ट्र गए थे तो महाराष्ट्र में जाके उन्होंने काला राम मंदिर में जाके ना सिर्फ सेवा की थी बल्कि वहां पर उन्होंने भजन कीर्तन भी किया था। वहां पर पंचवटी थी जहां पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रुके थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जहां पर अपने 11 दिन के व्रत के दौरान मंदिर जा रहे हैं, कठोर व्रत का पालन कर रहे हैं और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वहां पर जब गर्भगृह में प्रधानमंत्री जाएंगे उससे पहले एक पूरा वो फॉलो कर रहे हैं रिचुअल। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी इस पूरे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिक करार दे रहे हैं और राजनीति अब देखनी है कि जो तस्वीरें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं या फिर राहुल गांधी के जो बयान लगातार आ रहे हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं वोटर्स के ऊपर। हर्ष जी, ये जो राहुल गांधी का जो बयान है इनके लिए कितना फायदेमंद है या फिर हम कहें कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? नहीं, मुझे लगता है कि इससे स्पष्टता आएगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। और कई बार हम किसी चीज को कहते हैं ना कि दिख रहा है, लेकिन चूंकि आजकल तो सर्दियों का समय है तो सुबह सुबह कोहरा बहुत हो जाता है तो समय लगता है कुछ चीज़ें दिखने में। तो कई बार जनता को भी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कई चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, लेकिन जब नेता बयान देते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम चलाती है तो उसके व्यवहार से, उसका जो एक्शन होता है, उसके जो प्रोग्राम होते हैं वो दिखाते हैं। अब आप सोचिए, इतने वर्षों के बाद देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है उसकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा स्थान वो प्रतिष्ठित हो रहा है।